Good morning dear student, most welcome to the online class of SBPS. In this video for 11th class in English, today in a snapshot, another book, today I will teach you lesson number 1, The Summer of the Beautiful White Horse. Ek garam, jitu sundar safed ghore thi. To summary main theme main aapko bataunga, dekhiye. This story is about two boys. ये कहानी दो लड़कों के बारे में एंड ए व्हाइट हॉर्स और एक सफेद घोड़े के बारे में इन ए विलेज एक गांव में इन सैन जोकिन वैली कैलिफोर्निया वन समर एक समर क्या होता आराम आराम एक लड़का होता है हुज 9 years old जो कि 9 साल का होता है एंड मोराल्ड और एक मोराल्ड होता है मोराल्ड इज 13 years old मोराल्ड उसका कजिन होता है 13 साल का होता है They belong to the Galloglian tribe. Galloglian tribe से संबंध रखते हैं, which is known for his honesty, जो उसकी ईमानदारी के लिए जाना जाता है. The two boys are extremely fond of riding. वे दोनों लड़के बहुत ही ज़्यादा शौकीन हैं घुड़सवारी करने का, but लेकिन their tribes are very poor. वे उनके जो उनकी जात है वो बहुत ही खराब गरीब होती है सो दे कैन नॉट अफोर्ड एनी टाइप्स ऑफ हॉर्स वन डे क्या होता है मुराद जो कि 13 years का था कम्स टू आराम हाउस एक आराम के घर आता है ऑन ए व्हाइट हॉर्स एक सफेद घोड़े के ऊपर एंड इनवाइट सिंह टू राइड और उसे राइड करने के लिए इनवाइट करता है सींग द हॉर्स आराम बिकम सरप्राइज आश्चर्य हो जाता है बिकॉज ही थॉट वी आर सो पुअर दैट वी कैन नॉट बाई एनी टाइप्स ऑफ हॉर्स ही आस्क्ड डिड ही स्टील द हॉर्स उसने पूछा क्या तुमने घोड़ा चुराया वो कहता नहीं अब तुम्हें अगर सवारी करनी है तो उठ जाइए और घोड़े के पीछे बैठ जाइए ये बोलता है तो होता क्या है एक दिन आता होना व्हाइट एंड व्हाइट सिम आराम नोज आराम जानता है दैट की द हॉर्स इज स्टोलन कि ये घोड़ा वो चुराया हुआ है बट कैन नॉट रिसिस्ट द लेकिन वो रोक नहीं कर सकता द चांस टू राइड उससे मौका सवारी करना मोराल कीप द हॉर्स इन अ डिजर्टेड वार मोराल होता वो घोड़े को एक निर्जल खलियान में ले जाता है एंड टेक्स गुड केयर ऑफ उसकी अच्छी देखभाल करता है ही इज एबल टू डिसिप्लिन द हॉर्स वह समर्थ है घोड़े को अनुशासन करने में बिकॉज क्योंकि ही है जब बे विद द हॉर्स उसे एक मतलब कि उसे घोड़े के साथ मनाना आता है इसका अर्थ है ए मंथ पास्ट इसी तरीके से एक महीना गुजर जाता है देन जॉन ब्रेरो इसके बाद जॉन ब्रेरो द ओनर ऑफ द हॉर्स जो कि मालिक थे घोड़े के विजिट द फैमिली उस परिवार मिलने आते हैं एंड स्पीक्स अबाउट द लॉस और बोलते हैं नुकसान के बारे में ऑफ हिज हॉर्स उसके घोड़े के बारे में द बॉय डिसाइड टू कीप द हॉर्स वे बच्चे निर्णय लेते हैं उस घोड़े को रखने को अब इतने अपने साथ फॉर सम मोर टाइम कुछ और समय के लिए आफ्टर 2 वीक 2 सप्ताह के बाद जॉन ब्रेरो मीट द बॉय बच्चों मिलता है वॉकिंग विद द हॉर्स जो कि घोड़े के ऊपर चल रहे होते उसी घोड़ा होता है ही से जो है कहता है इट इज एग्जैक्टली लाइक हिज ओन हॉर्स कि वह सही से उसी जैसे घोड़ा है ही आल्सो से जो है भी कहता है इफ देयर फैमिली डिड नॉट हैव अगर उनका परिवार नहीं रखता है फॉर्मिडेबल रिपुटेशन ऑफ ऑनेस्टी इस प्रकार की ईमानदारी प्रसिद्ध नहीं होता तो ही वुड थिंक वह सोचते इट वॉज हिज हॉर्स उनका घोड़ा था ही डज नॉट एक्सक्यूज द बॉय ही डज नॉट एक्यूज द बॉय एक्यूज मतलब आरोपी ठहराना वह बच्चों को आरोपी नहीं ठहराते हैं ऑफ स्टीलिंग हिज हॉर्स अपने घोड़ा चलाने के लिए द नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह क्या होता है द बॉय टेक द हॉर्स बच्चे ले जाते हैं घोड़े को टू द जॉन ब्रायंस बैनयार्ड ले जाते हैं लीव विद डॉग्स बार उसे खलियान में तो दिस वाज द समरी ऑफ द लेसन आई एम होमवर्क आई एम राइटिंग सम ऑफ द क्वेश्चन योर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट विल बी व्हाई डिड मुराद स्टील द हॉर्स एंड देन रिटर्न इट क्यों चुराया था और क्यों लौटा दिया था व्हाई डिड मुराद स्टील The horse, horse, and then return it. And question number second will be: What are the unique traits of the Galloglian tribe? Thank you.
These are the two questions which you will write as a homework. That's all for the video. Thanks.